हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सफर के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। मैंने फ्रेंड्स आज ये वाला हिजाब पहना है जो मैंने उमरा के टाइम पे सऊदी में पहना था। बहुत अच्छा लगता है, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, उसकी स्लीव्स भी अटैच्ड है। हम जा रहे हैं बाहर, इसलिए थोड़ा सा लिप बाम लगाया। आप लोग रोजे में लिप बाम लगाते हो या नहीं लगाते ये मुझे बताना। बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सनस्क्रीन भी लगा लेते हैं। बस अब्दुल भाई दिन पे दिन जवान हो रहे हैं। इतने सालों बाद हमारे सोसाइटी के पूरे ये डंडे निकल चुके हैं, अब साफ लगेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, फिर निकल जाएंगे। पेंट कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया बोर्ड कैसे बनाने। हम लोग अपने रेस्टोरेंट का जो बोर्ड कैसा होगा उसका रेफरेंस देखने के लिए आए थे, तो दिन वाला भी देखना पड़ता है, रात वाला भी देखने आएंगे। मीठा है? हाँ जी। तो फ्रेंड अभी देसी वाले खरबूजे मिल गए हैं, हमने ले लिए क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं। ये लो देसी आइटम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कैसा जा रहा है रोजा? एकदम सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये न्यू बुक्स कवर चढ़ गए? नहीं अभी कवर नहीं लगा रहा, अभी इसको नेम लिख रहा हूँ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मा अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स आ चुके हैं घर, और हमारे घर में ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी होने वाली है। हल्दी मेहंदी सब बने हुए हैं, ये देखो आप दोनों हल्दी बने हुए, रेहान मेहंदी बना हुआ है, मेहंदी बनी है। सोई थी पर नहीं थी, तो इतना छोटा छोटा लिखा दिखता ही नहीं है पास से जाए। तो बड़ा कर लो उसको ऐसे, और बड़ा और बड़ा। यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, शायद यहाँ पे कुछ पकौड़े वकौड़े बनेंगे। अम्मी ने आज बना दिया हम सबके लिए खाना, क्योंकि भैया बहुत कुछ चटपटा खाने का मन था सबका। सही है, बेटी खाली नमाज पढ़ रही है तो मैंने सोचा मैं उसका आज काम कर देती हूँ उसको बिना बताए। ये देखो टेढ़े मेढ़े मत करना, गोल करना, पानी में हाथ डुबा डुबा के डालना, हाथ से सही रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देती हूँ, देख के लग रहा है बेटी खाला हल्दी मेहंदी दोनों बनी हुई है। हरा भी है, पीला भी है। ये कब का सूट है? मम्मी ने दिया अभी। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सूट है, पाकिस्तानी सूट है। हाँ। अच्छा लग रहा है। असर की नमाज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स अब देखते हैं बाकी क्या करना है। भाभी के यहाँ पे इफ्तार हो रहा है। फ्रेंड्स चलते हैं, हम अपना अपना सामान लेके, बाकी ये लोग सब भी आ जाएंगे। जल्दी आ जाओ, फिर दुआ भी करनी है। भैया गिर गया, फिर कहा साल तुम्हारा, वो भी सबकी फेवरेट चीज है। एक एक्स्ट्रा प्लेट बनानी है वॉचमैन अंकल के लिए। फ्रेंड्स हम लोग ऊपर आ चुके हैं, इफ्तार का बस टाइम होने वाला है, इसलिए यहाँ पे भाभी सेट कर रही है सबके लिए इफ्तार, और इधर हम दादा हेल्प कर रहे हैं, और सनी कैमरामैन बने हुए रूहान अभी सो रहा है, और भाई बाहर गए। यहाँ चल रही है फल की लड़ाई। आज मैं ऊपर बैठ कर इफ्तार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे है दर्द। अच्छा कब बड़ा है, मतलब बाहर से बड़ा अंदर से छोटा, नई डिजाइन का है, बाहर से लग रहा है इतना बड़ा। यही लाए थे आप सोसाइटी स्टोर से? अच्छा है, लेकिन भारी भी नहीं है। नहीं, शोएब को तो जब मैं दिया कहती प्लास्टिक का लेके आई हूँ, मुझे भी प्लास्टिक लग रहा है, प्लास्टिक तो नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। मैं सरप्राइज हुई थी कि हाँ। तो थोड़ा वेट होगा, बहुत अच्छा देखने में भी, बहुत यूनिक है। ये होता तुम कहाँ झोला लेके चली? टेलर के यहाँ, और सबके अलग अलग टेलर है। हमारा एक टेलर है वो बंद है, फिटिंग कराते हैं कपड़े। चलो भैया अब हो गया डिनर टाइम, आज हम नीचे ही खा रहे हैं। सनी का भी मन था मटन खाने का, तो इसीलिए आज वो बन आज गया, हमारी फरमाइश में बन गया मटन। सनी की फरमाइश पूरी होती है अम्मी से। फ्रेंड्स मैं बेचारी पिछले 6 रमजान से कह रही हूँ ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना दो, मुझे फेरी में डाल के खाना है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ना इन्होंने सुना ना आपने सुना। अम्मा सामान रखा है, वही बना के देंगे, चाहे तो अम्मा भी बना दे, अम्मा को भी आता है। गाय के दूध की किस्मत डाल के सब कुछ है ना, बना दे पोस्ता डाल देंगे वही में है। ये क्या होता है? बहुत अच्छे होते पोस्ता डालते नाम होता खसखस। मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी होती थी, अब तुम्हारी नहीं, अब सनी की फरमाइश पूरी होती। चलो फ्रेंड्स खाना खाते, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स आज आपने मेरा आउटफिट नहीं देखा, आज मैंने पहना था कॉट सेट। सनी कह रहे थे तुम पहले खाना खा लो फिर दिखा देना, खाना खाने के बाद और मोटी हो जाऊंगी। मोटे पतले से फर्क नहीं होता, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है मैं दिन भर ठूसती रहती हूँ, सबको बताओ मैं इतना नहीं खाती। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, जो इंसान फ्री बैठा होगा वही सिर्फ आपके लुक्स पे कमेंट करेगा। मेरी हॉर्मोन्स की दवा चल रही है, आप लोग इसके बारे में गूगल करो, पता करो। OCPs चल रही है 21 डेज वाली, उसमें थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो जाती है, साथ साथ आपको भूख भी ज्यादा लगती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए अभी ये 3rd मंथ चल रहा है, उसके बाद फिर आगे का दूसरा ट्रीटमेंट होगा। ध्यान नहीं देती फ्रेंड्स लुक्स पे, क्योंकि मेरा काम है आपको हंसाना और खुद भी हंसना, सबको खुश रखना। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, कोई ऑडिशन नहीं देने जाना है, कोई ऐसा मेरा काम नहीं है कि मैं मॉडल हूँ कि मुझे एकदम ऐसे
ही रहना चाहिए। मेरा गांव आपको हंसाना है और ब्लॉग्स दिखाना है। हर एक इंसान कभी ना कभी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा लेता है। इफ्तार करा के हम सबको खाना खिला के अब किचन की सफाई का टाइम है लोगों का। खाते हैं तो किचन की सफाई नहीं करेंगे। मैं भी जा रही हूँ, ईशा पढ़ूंगी, लेट हो गई है। बाय फ्रेंड्स, आज हम ईशा की नमाज अपनी बालकनी में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स बैठे बैठे सनी ने कहा चलो थोड़ा बाहर देख के आते हैं, घूम के आते हैं, रमजान की रौनक देख के आते हैं। अभी हम लोग बस निकल चुके हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, क्या नहीं मिलता, हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आपको सब दिखाएंगे, रौनक भी दिखाएंगे। मोहम्मद अली रोड के बारे में सबको जानता है, पर हम चल रहे हैं जोगेश्वरी, देखते हैं वहाँ क्या होगा। चलो बताना चाहिए था, मैं फुल पैंट पे तो आ जाता, कोई बात नहीं चलता है। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम हाफ पैंट में हम भी घूमते, तुमसे बड़े तक घूमते, रमजान चल रहे हैं इसलिए। स्नेहान को हम कार से नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं जोगेश्वरी, यहाँ पे लेंगे जलेबी। क्या खाना है? गुलाब जामुन। तो अभी हमने यहाँ से लिया है मालपुआ, जलेबी और रबड़ी, ये लो। कैसे कबाब यहाँ के? फरीद सी कबाब के बहुत मशहूर है, इंशाल्लाह पसंद आए। यहाँ बन रहे कबाब। खाना चालू, क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन। ऐसा है, अच्छा है लेकिन बहुत खाने में बहुत मुश्किल हो रही है। घर पे खा लेना। अभी खा लेता हूँ। ट्रोल नहीं हो रहे हैं? कितना गरम था? वो भी गुलाब जामुन था, वो बहुत गरम था, मतलब ज्वालामुखी के लावा जितना गरम। तुमने गरम गरम क्यों खा लिया? ठंडा करके खाते हो उसको? इसको सबर ही नहीं हुआ, मुझे भी नहीं दिया। आपको लाइट दिखा देती हूँ कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड हम अंदर आ गए, सब अंदर नहीं आई है क्योंकि बोल रही थी कि यहाँ पे पता नहीं औरतें होंगी कि नहीं होंगी। बहुत दिन के बाद रबड़ी खा रहा हूँ आज। रबड़ी खा के इतनी खुशी। फ्रेंड्स ये है मेरी सहरी, मैंने जो बाहर से लिया था फ्रेंड्स वो वहाँ पे मैं खा नहीं पाई क्योंकि मेरे थायराइड की दवा का टाइम हो गया था। फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट वर्जन ऑफ ऑमलेट होता है एकदम। तो अभी मैं उठ गया हूँ आज सुबह जल्दी, होटल के बर्तन देखने हैं और कुछ भट्टी वगैरह देखना है, तंदूर देखना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी मुंबई में, एक जगह है वाशी मार्केट। चलो जा रहा हूँ। हाँ चलिए भाई चलते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ चुके हैं वासी। सनी यहाँ पे गए हुए थे फ्रेंड्स हमारे होटल में, जो ये बड़े बड़े गैस भट्टी पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं, तो मैं पहली बार देख रही हूँ वो सब देखने, और साथ साथ क्रॉकरी भी देखने। आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तांबे वाला या फिर ये ब्लैक वाला या फिर ये, आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड अभी काम खत्म करके आ गए हैं नमाज पढ़ने, क्योंकि हो गया जोहर का वक्त, चलते हैं नमाज पढ़ने। मछली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जोहर की नमाज हो गई और हमने ले लिए मिसवाक तीन। शुक्रिया। अभी हो रहा है जोहर का टाइम, तो हम चल के नमाज पढ़ लेते हैं। और आपको पता है कि सनी जो है वो गए हुए हैं रेस्टोरेंट के काम से काफी ज्यादा दूर। ये देखिए क्या किया पहनते वक्त मैंने, ना इसको यहाँ से खींच दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स नमाज हो चुकी है, अभी चलते हैं कुछ और करते। अस्सलाम वालेकुम रजा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा तुमने वापस से बिछा दिया। नहीं नहीं वो गीला हो गया था रजा, पूरा लुक खराब हो गया, कितने दिल से सब बिछाया था, पता है धुलने के बाद उसका वो ना निकल जाए, वो निकल जाएगा, उसका सॉफ्टनेस चला जाता है। रजा तुम ये कोई रेसिपी देख के बता दो किस चीज की ज्यादा चाहिए इफ्तार की। चलिए फ्रेंड्स अम्मी के घर पे। अस्सलाम वालेकुम सबको। बात मत करो तुम, सुबह मुझे सहरी में चाय नहीं मिली अम्मी, अम्मी अपना आउटफिट दिखाने के लिए खड़ी है। तीनों आपस में डिस्कस करके रेहान पहनते हो क्या? आज तीनों पिंक। हमने इसको फोन किया कि रेहान प्लीज मुझे चाय दे जाओ, चाय दे जाओ, कर हाँ बोलता हूँ ये करता हूँ। अम्मी आपने मुझे सहरी में याद नहीं किया? तो वो सीन था हमारे हाथ पर, मैं बहुत नींद में था, मैं बहुत नींद में था। और मैं फिर भी आखिरी तक इंतजार करती थी कि शायद अभी चाय आ जाएगी, आ जाएगी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो अम्मा? अम्मी आपका कप का इतना अच्छा सूट है, भोपाल से लाई थी तो। अच्छा क्या लाए हो? लाइट जहाँ लगानी है हम लोग लगा सकते हैं, कर्टन पे अच्छी लगेगी। सितारा के लिए चांद सितारा वाली लाइट, पहले पर्दे लग जाए फिर लगाएंगे। तो अभी हमें पर्दे सिलेक्ट करना है, ये तो अम्मी ऐसे तो आपके घर पड़े ही हुए हैं, सेम हो गए। यही डाल डालो अम्मी, अगली बार चेंज हो जाएगा, हमेशा लाइट लाइट थे। ओहो अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। वो पर्दे भाभी ने अम्मी लोगों के लिए भेजे थे, ये चूज कर रहे थे, इतना तैयार व्यार होके गए थे, अकेले में ज्यादा खुश थे तो। हमसे कुछ लोग मिलने आए थे, एक बहुत प्यारी फैमिली थी लखनऊ से आए थे मिलके, अच्छे प्यारे से बच्चों से भी मिल लिया है। अभी हम लोग आ गए मार्केट पॉइंट, क्योंकि रजा ने कोई रेसिपी बताई है। अच्छी बनेगी नहीं बनेगी ये बताओ। पराठों की तरह ना हमारे, सब कह रहे तेल डालने से कुछ नहीं होता, आपने बहुत कच्चे पराठे खुद बनाए। पराठे पहली बात तो कच्चे ज्यादा थे ही नहीं, घर वालों को लग रहे थे, सिर्फ बहुत सौगी सौगी थे। क्या खाएगा बेटा? कॉफी पाउडर लो, स्टीविया लेती हूँ।
छोटा लूं क्या? इसकी ये क्या होता है? बिना नुकसान करने वाला मीठा ले लो ना, ये वाले यार रखे हैं। और एक वो जो व्हाइट वाला होता है, खिड़की 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 नहीं, उसका सच में नाम खिड़की है क्या? बैडमिंटन के जैसा रहता है। हाँ हाँ वही वही बैडमिंटन वाला भैया, हाँ वही सही पकड़े हैं। ये कैसा ब्रेड क्रम है? ये नहीं अच्छा, ये कब यूज होता? चिली फ्लेक्स तुम्हारा? ये चीरो बॉल में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाने वाले हैं। कब बनाओगी? वो दिन कब आएगा? बस खाली मुंह से बना रही हो अच्छी चीजें की अब बनाने वाले बनाने वाले हैं। ये रही रिजा से भैया, बैठो 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 जल्दी बैठो। कैसा लगा आपको इतनी दूर वाशी जाके? अच्छा लगा, काम हाँ काम हुआ। चलो आओ, चले गाड़ी में घूम, चले आओ जल्दी आओ, गाड़ी चलना है, चलो घूम गए, चलो कहाँ लेके जा रही है उसको? ओए लड़के, ओए लड़के, मम्मी आपका ये इतना बड़ा शिमला मिर्च मैं कैसे बनाऊंगी? ये इतना बड़ा कैसे है? गांव का था ये, कहीं दो तीन दिन तो खत्म होगा, एक ही बचा था। लाओ जल्दी, तो आज मैं बहुत ही चीज बना के लाने वाली हूँ इंशाल्लाह। सॉरी फ्रेंड, मैं आज तुम लोग की मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे लग रही बहुत बेतहाशा वाली प्यास। अच्छा बना के खिलाओ कुछ आज। ये तो अच्छा ही है, आज हम बहुत ज्यादा काबिल शेफ मिल गए हैं, तो कुछ अच्छा ही बनेगा। अच्छे से देखिए हम लोगों ने रेसिपी। आज हम घर वालों को तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं, कम से कम आज खड़ी उतर जाओ इन उम्मीदों में। तो ये सारी चीजें हो गई है, मैश्ड आलू है, हमने कॉर्न को थोड़ा छोटा काट लिया जैसे रेसिपी में था, ये पुदीना उसमें नहीं था, लेकिन हम डालेंगे धनिया, ये सारी चीजें हैं, छोटा पड़ जाएगा इसीलिए इसको हम इसमें ले लेते हैं। हमारे पास वो जो छेद छेद वाला आता है ना, घिसने वाला, वो नहीं, जैसे मौदा में कहते हैं बिलैया, निकल भी रहा है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ले ली हैं, आलू और चीज़, और उसमें सारे जो चीज़ें काट के रखी थी सब्जियाँ वो डाल दिया, कुछ मसाले डाले जैसे कि ब्लैक पेपर और ये गैनो और चिली फ्लेक्स, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये मोज़रेला चीज़ डाल दी है। तो ये जो हमारा फ्रेंड्स अंदर का मिक्सचर है वो पूरा रेडी हो चुका है, दोनों शेफ लगे हुए हैं। वैसे मेन शेफ ये है, मैं हेल्पर हूँ, ऐसे थोड़ी हेल्पर खराब होता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों ने मिलकर रेसिपी देखी, दोनों ने आपसी सहमति से पांच रेसिपी ऐसा ने देखी, पांच रेसिपी मैंने देखी, फिर आपकी सहमति से एक हमने सिलेक्ट की, क्योंकि हर रेसिपी में कुछ ना कुछ अलग था, फिर हम दोनों ने आपसी सहमति से कौन सी चीज डलेगी, क्या डलेगा, कैसा डलेगा, सब अलग अलग। आपसी सहमति से हमने जो बची हुई धनिया थी वो छोड़ दी कि ज्यादा हो जाएगी, अब हम इसको मिला रहे हैं। ये भी तुम्हारा आपकी सहमति से मिला रही हो? रिजल्ट ने बोला ज्यादा चीज, ज्यादा चीज अच्छी, क्योंकि चीज बॉल उसका नाम ही है, आलू बॉल हो जाएगा। पार्टनर रेडी हो बॉल्स बनाने के लिए? फ्रेंड्स बॉल बनाना स्टार्ट कर दी थी, दोनों लोग रेसिपी भूल गए कि बॉल बनाने के बाद करना क्या है। पार्टनर नंबर टू अभी रेसिपी चेक कर रहा है। तुम लोगों से मैंने कहा था कि अल्लाह ही रहम करेगी, बन जाए अभी तक। नहीं नहीं देखो अभी तक बिल्कुल सही हो रहा है, हमारे बॉल्स एकदम सही है, इंशाल्लाह आगे भी। तुम लोगों ने डाला है ये कैप्सिकम वगैरह? कच्चा नहीं डाला? कच्चा ही होता है, सब्जी खानी चाहिए, हेल्दी बता रहे हैं लोगों को, पागल बना रही है लोगों को यार, थोड़ा हेल्दी थोड़ा हेल्दी। मैं ये बोल रही थी कि बॉल बना के उसको क्या करना है, देखो बॉल बना के ब्रेड क्रम में रोल करना है, फिर निकालना है, फिर ये करना है, फिर ब्रेड क्रम में लगना है। तो अभी रिजा हमारी सबसे अहम प्रोसेस करने जा रही है, ठीक है? ये दोनों इतने अनाड़ी शेफ हैं, दोनों एक एक के सहारे चल रहे हैं, बस इतना ठीक हो गया, यहाँ ओके। पूछ के अच्छा है ना, फिर खराब हो गया तो क्या? देखो पूछ के करेंगे तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा पाएंगे। ये कॉर्नफ्लावर जो है इसमें डिप करेंगे, डायरेक्ट इसमें डालना है और हाथ से नहीं करना। अब बिस्मिल्लाह करके हम अपनी पहली चीज बॉल जो है वो ऑयल में डाल रहे हैं। हाउ फ्रेंड्स, कामयाबी मिलती दिख रही है क्योंकि फूट नहीं रहे, एक से निकल रहा है, सब कुछ तो ठीक है, बस बीच बीच में चिकन पॉक्स की तरह इसके बीच में से वो दाने निकल रहे हैं। जब तक मैं प्लेटिंग कर रही हूँ तब तक जो हम लोगों ने यहाँ पर जितने बर्तन गंदे करे वो आलू पे ढुल रही है। हम असर की नमाज पढ़ लेते हैं बालकनी में। क्या रेट दिए लड्डू? लड्डू नहीं है तो क्या है ये? चीज का गोला। बहुत थक गया मेरा, इतने मेरे होंठ सूख रहे हैं, इतना गला सूख रहा है यार, एक दिन से घर से बाहर निकला, हालत खराब है आज। तो जॉब कर रहे होंगे रमजान में, आपको अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा। ये तो क्या है ये अपने यहाँ उठा नहीं चली बोला है दी बिजली चली। अम्मी अभी तो खाओ। क्या है ये, नाम तो पता? चीज बॉल। पक्का? अच्छा ये वो शक्ल सही बहुत। क्या बोल रही है भाभी, क्या बढ़िया लग रहा है ये शक्ल से? हाँ। अंदर से मोटा तो नहीं है? नहीं
नहीं क्या ये आलू कवरिंग तो बहुत पतली की थी। आज तुम्हारे गुलगुले बहुत अच्छे हैं। ये भाभी ने फ्रेंड्स बहुत ही यम्मी सी चीज बनाई है, इसकी रेसिपी आएगी भाभी के चैनल पे। आज मेरी तरफ से भी ट्रायल था, अच्छी कल डालूंगी इंशाल्लाह। सनी ने आज वही वाली टी शर्ट पहनी है भाई, जो आप लोग बहुत अच्छी लग रही अच्छी लग रही है। मम्मी भी बोली बहुत अच्छी लग रही है। हमने कहा बेटी खाले से भाभी हमारी रेसिपी के चक्कर में इनको नजरअंदाज कर देते, तुम्हारे पकौड़े भी अच्छे बनते हैं, रोज बहुत अच्छे बनते हैं। और आज मेरे गुलगुले भी सही बने हैं, मैंने इनकी टिप जो है वो ध्यान में रखी थी। ये ना हो तो फिर कुछ भी ना। मैंने खुद का अपना चीज बॉल जो है वो ट्राई नहीं किया है फ्रेंड्स इफ्तार में, तो अभी इसका चीज नहीं खिंच रहा। कौन सी चीज डाली? छोटी छोटी लेकिन शायद कम हो गए। कम हो गए लेकिन ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। अभी पिज्जा पफ जैसी फीलिंग लग रही है। हाँ फ्रेंड्स मैंने आज इफ्तार में अपने फ्रूट्स नहीं खाए थे, मैंने सोचा मैं इसको कुछ ठंडा ठंडा बना के पी लूंगी, स्मूदी। स्मूदी और हम मीठे के लिए इसमें एक मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं मजाक नहीं नहीं मजाक, मैं तेरा दिल ले रहा था, मैं तेरा दिल ले रहा था, कैसा तेरा दिल धीरे धीरे दिल में तो लग रहा था लेकिन शक्कर नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मैं इसमें हम थोड़ी सी बर्फ डाल देंगे। अगर तुम डेली बना के मुझे पिलाओ तो कितना साफ है। पहले इसका टेस्ट तो देखे बेटा, खाना इसे पीने के लिए मैंने अपने इफ्तार के एक भी फ्रूट्स नहीं खाए। इफ्तार में मैंने आज शरबत भी नहीं पिया, ना ही दूध वाला ना ही पानी वाला, इसमें भी शुगर हो जाती है। ये अगर थोड़ा बहुत नुकसान कर भी सकता है, बनाना है दूध है लेकिन कम से कम हेल्दी है। और आप लोग भी फ्रेंड्स जरूर ट्राई करो। फ्रेंड्स इफ्तार के बाद अब अपने इंस्टाग्राम के काम भी निपटा लेते हैं, अनबॉक्सिंग स्टोरीज करनी है वो सब भी करना है, और गिव अवे भी करना है इंस्टाग्राम पे। हर रोज गिव अवे करेंगे, आप भी वहाँ पे जाइए फॉलो कीजिए। और एक्सोटिक ऊद की तरफ से हमें ये हैम्पर मिला था फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस की चीज है। इसमें बर्नर है, ये क्या है लाइटर, इसमें बखूर है, कोल है। मैंने गिव अवे के लिए सारी चीजें निकाल ली है, ये पूरी चीजें एक ही विनर को जाएंगी। ये अनस्टिच सूट है, मैंने अपने शादी के टाइम लिया था, फिर से लाने का मौका ही नहीं मिला। ये स्टिच पाकिस्तानी सूट है, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए पहनना होगा एक स्टोरी के लिए। मेकअप ब्रश है, एकदम न्यू है, ये सही भी है, रमजान आ रहे हैं, इसमें अपने घर पेंट वेंट करना होगा, बड़ा ब्रश भी अपने दिवाली वाली पेंट भी कर लेगा बढ़िया। और ये बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी है फ्रेंड्स, देखिए तो टीके के साथ है, अपना हिजाब भी गिफ्ट। सनी बहुत जज्बात हो गए, सनी कह रहे हैं कि हम आईफोन 15 प्रो मैक्स भी गिव अवे करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। यहाँ पे लग गए सब लोग अपने अपने काम पे, ये लाइट वाले भैया है हमारे, ये दुकानदार है। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, कौन विनर होगा, कौन बनेगा सूटपति, करोड़पति का सूटपति। हम अपनी तरफ से एकदम रियल रह के कर रहे हैं, इसलिए हम इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हैं, सामने डालेंगे सामने आएगा। फ्रेंड्स आप अभी पढ़ रही है अंदर, और बहुत सारे काम भी करके अभी हम लोग फारिग हुए हैं, और आगे भी बहुत सारे काम खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमको निकलना है मौदा। उस चक्कर से हमको ना फटाफट बहुत सारी चीजें जो हमारे रेस्टोरेंट की वो भी हमको खत्म करना है, सब आगे बहुत सारे काम है। इस चक्कर में इस व्लॉग में हम ज्यादा कुछ मेहनत नहीं कर पाए, जो भी बना जैसे बना टाइम निकाल के वैसे बना के आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह आगे हम अपनी पूरी कोशिश से अच्छे व्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।